नमस्कार, मैं हूँ अक्षय आनंद। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब है, तभी तो वो होटवार जेल में नहीं, रिम्स में है। आज रिम्स में ऐसा हुआ कि सुरक्षा कारणों से रिम्स प्रशासन ने, होटवार जेल प्रशासन ने यह आदेश लागू किया कि आज लालू प्रसाद यादव किसी से मिलेंगे नहीं। इस बीच जब हमारे सहयोगी विनोद ने उनके डॉक्टर से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली, तो डॉक्टर उमेश प्रसाद जो लालू प्रसाद यादव की देखभाल करते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है ये सुनिए। तबीयत तो हम लोग अगर कहें तो मेडिकल ग्राउंड्स पे रिपोर्ट ठीक ही है। यूरिया क्रिएटिनिन का जो रिपोर्ट हमने करवाया था उसमें सुधार हुआ है, लेकिन HbA1c जो बोलते हैं ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, ये पिछली बार से 0.4 बढ़ गया है। उतार चढ़ाव शुगर में हो रहा है, लेकिन शुगर अभी फिलहाल 2-3 दिनों से कंट्रोल में है और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में है, स्थिति सामान्य है। हार्ट का इको के बारे में जब आपसे बात हुई थी तो वो तो इको करवाया था, इको जो इनका हार्ट का वाल बदला गया वो सही काम कर रहा है, रिपोर्ट में तो यही अभी हम लोग को प्राप्त हुआ है। और शुगर अभी कंट्रोल में है, फिलहाल 2-3 दिनों से कंट्रोल में। तो स्थिति अगर मेडिकल ग्राउंड पे कहा जाए तो अभी सामान्य नहीं लग रहा है। सर, आप मिलने गए होंगे, जाँच करने गए थे उनका, लालू जी का कुछ चिंतित उनते, चूंकि पिछले दिनों भी आप बता रहे थे कि चिंतित रहते हैं, एकांत महसूस करते हैं। एकांत तो कुछ, जो मेरा अनुभव कहता है कि एकांत तो कुछ महसूस करते हैं, क्योंकि अकेले एक कमरे में रहते हैं, बाहर आना जाना नहीं है। आप लोग भी देख रहे होगा था अखबारों में, अखबार के माध्यम से भी आप लोग ये प्राप्त कर रहे हैं नॉलेज कि इस तरह का ये है, तो वो किसी के दिमाग पर असर तो करेगा ही। पहले वो बाहर बैठते थे, आजकल तो बरंडे में भी नहीं बैठते, लेट उठ रहे हैं, ये कर रहे हैं, थोड़ा सा सोने जागने की उनकी जो ये है समय सारणी है वो गड़बड़ भी लग रही है। सर, आज भी गए होंगे आप लालू को जांच के लिए, तो आज मुलाकात ही नहीं हुआ, तो इसको लेके कुछ अफसोस या कुछ बताया था क्या? नहीं, हमसे उस बिंदु पे बात तो नहीं हुई और न ही हमने उनसे जिक्र किया, लेकिन मैं जब अस्पताल में प्रवेश कर रहा था तभी सवेरे मालूम हो गया कि आज मुलाकाती बंद कर दिया गया, ये कर दिया गया। तो चूंकि एक डॉक्टर होने के नाते मैं उनके पर्सनल रिलेशंस पे हस्तक्षेप नहीं करता हूँ और उनसे इस बिंदु पर नहीं बात, क्योंकि ये एक ऐसा बिंदु है जो किसी के दिल में क्षोभ पैदा कर सकता है। क्योंकि कोई भी कैदी है वो एक हफ्ते तक इंतजार करता रहता है कि कल शनिवार आएगा, कल शनिवार आएगा, लोग हमसे मिलने आएंगे, लोगों से बात करेंगे, कुछ ये करेंगे, एक थोड़ा सा मैंने खुली हवा या खुला सांस मिलेगा। तो हमने सोचा कि इस चीज़ को उनसे डिस्कस करना अच्छा नहीं है। तो कई तरह की बीमारियां हैं लालू प्रसाद यादव को, कुछ ठीक हो रही हैं, कुछ बढ़ रही हैं, लगातार डॉक्टरों की निगरानी में हैं, सजा याफ्ता होने के बावजूद रिम्स में इलाज चल रहा है, सुरक्षा भी कड़ी रहती है, आजकल खाने का भी जांच बहुत बढ़िया होता है। आप बने रहे लाइव सीरीज़ के साथ, क्योंकि बिहार से जुड़े तमाम अपडेट्स सबसे पहले हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।